अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे आप लोग। मैं आपका साहिल और आप देख रहे हैं साहिल विद कुवैत। तो फिर से कुवैत में एक बड़ा हादसा सामने आता है, जो कि एक इंडियन आदमी करीबन एक महीने से लापता था और एक महीने के बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो हादसा ऐसे सामने आता है कि 9 जनवरी 2023 को प्रकाश अपने रूम पर नहीं आता है, तो उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और उसके रूममेट उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगता। सेम उसी दिन 9 जनवरी 2023 को सालमिया में एक कार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से एक प्रकाश था, लेकिन उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। प्रकाश के दोस्त पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं और कुवैत पुलिस भी उसे ढूंढने की कोशिश करती है। एम्बेसी से प्रकाश की डिटेल्स मिलने के बाद कुवैत पुलिस तमाम पुलिस स्टेशन की मिसिंग केस देखती है और तमाम हॉस्पिटल में जो अनआइडेंटिफाइड लाशें थी उनकी छानबीन शुरू की जाती है। तकरीबन एक महीने के बाद प्रकाश की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी बॉडी को इंडिया में चेन्नई में भेजा जाता है। तो दोस्तों, अपने फैमिली से, अपने गांव से दूर आते हैं इस अजनबी शहर में, तो आप अपना ख्याल रखिए कि आप सबसे पहले अपनी फिक्र करिए, क्योंकि आपके पीछे आप फैमिली होती है जो आपकी राह देखती है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, बस यही हमारी दुआ है। आमीन।